हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज फिर वॉमिटिंग होने लग गई। सुबह जब मैं अपने घर वापस आई हूँ, वॉमिटिंग होने लगी थी, जिस वजह से सारा दिन फिर मेरे को ना से चक्कर चक्कर आते रहे और मैं उठ ही नहीं पाई। आपको मेरी आवाज़ से ही पता लग रहा होगा कि मैं उठ ही नहीं पाई। फिर मैंने अभी मेडिसिन तो ली है, लेकिन प्रॉपर मैं ठीक नहीं हूँ अभी। पता नहीं हुआ क्या है, मतलब अब क्यों वॉमिटिंग हो रही है। मेरे को तो डॉक्टर के पास भी जाने से डर लग रहा है। मुझे बोल रहे हैं कि तू चेकअप करवा के आ, तू चेकअप करवा के आ, बट मैं चेकअप नहीं करवाना चाहती। मुझे ना डर लग रहा है, मैं नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास भी। मतलब क्या आएगा आगे, आगे क्या होगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ, वो मैं आपको ऐसे बता नहीं सकती हूँ। अपसेट हूँ मतलब मैं खुश हूँ, मैं रूम में क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर मैं अभी हाँ, वो चीज़ नहीं है जो आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस वैसे ही डर लगता है कि क्यों, क्योंकि मुझे आपको पता है कि मेरे को थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से मेरे को ना ब्लड आने लग जाता है। तो बस वही थोड़ा मेरे को दिक्कत हो रही थी, और मैं इसलिए मैं वीडियोस तो बना नहीं पा रही हूँ उठ के। तो सोचा मैं लाइव कर लूँ, पर लाइव में फिर बोलना पड़ता है कंटिन्यूसली, तो मेरे में अभी इतनी हिम्मत है ही नहीं कि मैं बोलूँ। अदरवाइज़ लाइव मेरी अच्छी चलती है, उसमें जो मतलब लाइव बंद होने के बाद जो लोग देखते हैं वीडियो लाइव, पूरी सुनते हैं मेरी लाइव, तो वो चीज़ भी सही है कि वो लोग मुझे सुनते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि यार अगर सपोर्टर हमें सपोर्ट करते हैं ना, तो हेटर का भी हमें सपोर्ट करने में उतना ही हाथ होता है। हाँ बेशक से वो हेटर है, वो बहुत दिल दुखा जाते हैं ऐसे ऐसे कमेंट करके, लेकिन एटलीस्ट उनको हमारी लाइफ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है, वो लोग तभी देखते हैं। कोई एक सीरियल भी होता है ना, तो सीरियल में भी अगर चार पात्र, चार करेक्टर उसमें अच्छे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो एक दो करेक्टर उसमें नेगेटिव रोल में भी होते हैं, तो लोग उनको भी देखते हैं, गलत भी बोलते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव रोल वाले ना हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सीरियल को नहीं चला सकते हैं ना। तो इसी वजह से कोई फिल्म पिक्चर होती है उसमें भी होता ही है। तो अब से मैं किसी को कुछ नहीं कहने वाली, बस जो होता है कहते हैं, बस अच्छे के लिए होता है। और हम लोग ये बात आपको बताना चाहते थे कि देखिए, हम लोग इस घर को छोड़ रहे हैं। मेरी और करम की जो शादी हुई थी ना, वो उसके बारे में मैंने इंस्टा पे कल सारा कुछ बता दिया था, क्योंकि कल मैं इतना भर चुकी थी, इमोशनल हो चुकी थी, कि मैंने सारी सच्चाई इंस्टाग्राम पे बता दी कि हमारी शादी क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। उसमें मैं लाइव आई थी और मैंने सब कुछ बता दिया था। सो हमने ये फैसला किया है कि अब हम इस घर को छोड़ देंगे। फैसला क्या किया है, छोड़ना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू मैंने दिया था, मैं प्रॉपर अब खुल के यहाँ पे नहीं बता सकती। कल जिन लोगों ने इंस्टा पे सुन लिया तो सुन लिया, लाइव में मैं सबको खुल के तो बता नहीं सकती। दरअसल बस जो 3 लाख वाली एक बात थी, जो आप लोग जब मैं इस घर में आई थी मैंने आपको बताई थी वो 3 लाख वाली बात, तो वो 3 लाख मेरा खा लिया गया था। मैं उस टाइम मैंने ये सोच रहा था कि बस अब कुछ नहीं बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरी कोई सेविंग नहीं बची, कुछ नहीं। पुलिस कचहरियों से मैं वैसे उस टाइम इतना डरती थी, कि कर्म नहीं थे ना मेरे हस्बैंड उस टाइम, तो मैं बहुत डरा करती थी कि मैं थाने कचहरियों में मैं कैसे चक्कर काटूंगी, मैं कैसे खुद के लिए लड़ूंगी, मैं कैसे सर्वाइव करूंगी इस दुनिया में बिना पैसों के। मेरा सारी सेविंग गई, मैंने अपनी बहनों से भी मतलब मैं कैसे मतलब सबसे नजरें मिलाऊंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूंगी, मैं कैसे अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े दिन YouTube से ही ब्रेक ले लिया था 2-3 दिन के लिए, और मैं बहुत रोई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरी जाऊँ, मैं जीऊँ ही नहीं। तब मेरे को करम से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ चीट हो गया। और लोग मैंने कहा, पहले ही मुझे यूट्यूब पर बोल रहे थे कि तेरे साथ धोखा हो जाएगा, तेरे साथ चीट हो जाएगा, तू ये चेक कर, तू वो चेक कर। मैं क्या, मैंने जिसको बीच में डाला हुआ था इस सारे प्रोसेसर में, उसी इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, उसी इंसान ने हमें धोखा दिया है हमारा अपना होके, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा, तू कुछ मत कर, जैसे जैसे मैं तुझे बोलता तुझे बस वैसे ही करना है, बाकी मैं आता हूँ, मैं आके सारी चीज़ें हैंडल करता हूँ।
तो फिर उन्होंने आके जब वो एक दिन के लिए आए थे तो उन्होंने कंप्लेंट डाली आके। उन्होंने सारे को डॉक्यूमेंट जो मेरे पास जो कागज़ थे वो चेक करके उन्होंने कंप्लेंट डाली। उन्होंने जब वो जो कंप्लेंट डाली थी आज हमें उसका, अब की बार जब वो आए थे तो फिर उन्होंने उसी चीज़ का प्रोसेस किया और हमें हमारे पैसे हैं जो वो वापस मिलने लग रहे हैं बहुत जल्दी। थोड़ा मैं उठ के बैठ गया, मेरा ना फ़ोन आ गया था, इनका करम जी का फ़ोन आ गया था। फिर मुझे कहते क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं वीडियो बना रही थी, तो मैं बस ये बात बता रही थी कि उस टाइम हम दोनों ने ऐसे शादी की थी कि हमें किसी के खिलाफ कंप्लेंट करनी थी, तो उसके लिए मेरा उनकी वाइफ होना, मेरा एक आर्मी वाले की वाइफ होना, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि ये मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के साथ ऐसे फ्रॉड हो रहा है, तो शादी कर ली थी। लेकिन उसके बाद उस शादी को हमने दिल से एक्सेप्ट किया। हाँ, जिस दिन शादी की है उस दिन तो शायद दिल से वो चीज़ें नहीं हुई होगी, पर उसके बाद जो कुछ भी हो उनकी वजह से आज मेरे को मेरे पैसे सेफ मिल रहे हैं। मेरे को जो मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था वो मेरे को अब उसमें से भी बच चुकी हूँ। सब कुछ लाइफ में सही हो गया, बस किसी दिन परमिशन मिलेगी ना तो खुल के सारी चीज़ें बताऊंगी। एक बार इस घर से शिफ्टिंग हो जाए हमारी, अब देखो जब तक खुद का घर नहीं बनता अब हम खुद का घर बनाने लग रहे हैं। मेरी रजिस्ट्री रखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक रजिस्ट्री रखी थी, एक छोटा सा फाइनेंस से लोन लिया था, वहाँ पे मुझे डबल ट्रिपल ब्याज लगा दिया था, वहाँ भी फ्रॉड मेरे साथ। क्योंकि जब मुझे अकेले देखते थे मुझे नॉलेज नहीं होती थी, जो जहाँ जैसे बोलता था सबके पीछे लग लेती थी, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, किसी भी चीज़ की, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया लोगों ने। और जिस दे वो फाइनेंस वालों ने इतना ब्याज मेरे पे लगा दिया था कि उससे भी इन्होंने जब आए तो इन्होंने उससे बात की और वो उस चीज़ से मुझे निकाला। अब मेरे पैसे मुझे वापस मिलते ही मैं अपनी रजिस्ट्री छुड़वा रही हूँ, और जो मैंने मेरी मम्मी का गोल्ड गहने रखवाया था वो भी उनको छुड़ा के दे रही हूँ। और उसके बाद मैं अब मेरी रजिस्ट्री पे मैं अब मैं बैंक से लोन लूँगी, क्योंकि अब मैं इनकी वाइफ हूँ, अब मैं लोन ले सकती हूँ, एक आर्मी वाले की बीवी हूँ मैं, तो वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि वो सैलरी वगैरह का ही इशू होता था, क्योंकि मेरे पास सैलरी का कोई मतलब वो नहीं था कि होता है ना, एक भाई गवर्नमेंट सैलरी सरकारी IAF इनकम तो बोल नहीं पा रही हूँ भाई, सॉरी, माफ़ करना मुझे। और अब मेरे को मिल जाएगा लोन, तो अब मैं अप्लाई कर दूँगी जैसे भी मुझे मिला, जैसे ही मैंने अपनी रजिस्ट्री छुड़वा ली उसके बाद अप्लाई करके लोन लूँगी, सरकारी बैंक से लोन लूँगी ताकि मुझे ब्याज कम पड़े। उसके बाद थोड़ा बहुत हम खुद सेव करेंगे, थोड़ा बहुत हम लोन लेंगे और हम अपना घर प्लॉट पे बनाना शुरू करेंगे। थैंक गॉड कि मैंने इनकी बातों में आके, किसी की बातों में, जिनकी बातों में आके मैं घर के पैसों में फंसी, उसी की बातों में आके मैं अपना प्लॉट बेचने लग रही थी। अपने ही होगे को ना, हमारा कोई अपना ही था वो जिसने हमें इतने बड़े प्लॉट में फंसाना चाहा। और अब थैंक गॉड कि मैंने वो प्लॉट नहीं बेच दिया, वरना आज मैं जमा ही खाली हो जाती और मुझे कुछ भी नहीं बचता। और 15 लाख में ये घर लेना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। इसका प्राइस है ही नहीं इतना, और मैं पागलों जैसे लगी हुई थी। तो अभी मुझे अब मैं वो कर रही हूँ जो करम कह रहे हैं, तो इसलिए अब मैं जब तक हम खुद का नहीं घर देख ले रहे, तो एट अ टाइम देखते हैं हम कितने टाइम तक हम एक रेंट के घर लेके, अब रेंट के घर में रख रहे हैं सामान, और करम आएंगे तो हम शिफ्टिंग करेंगे, मैं घर देखूंगी। तो अब तो मुझे घर भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले मैं अकेली थी तो लोग रेंट पे घर भी नहीं देते थे, इतनी प्रॉब्लम में थी। और अभी देखते देखते 4-5 महीने निकल गए इस घर में, और मतलब वो जो साल का 3 लाख गया था तो वो अगले साल के इंस्टॉलमेंट मैं नहीं कर पाती, तो अच्छा हुआ कि जो होता अच्छा हुआ। तो इसलिए अपने हस्बैंड की बात मान के आगे जो भी करूँगी मैं, अब उनकी बात मान के करूँगी, तो वो आने वाले वक्त में मेरे प्लॉट पे ही मेरे को घर बनवा के देंगे। मैं ही बनाऊंगी, मैंने बोला था घर मैं अपने पैसों का बनाऊंगी, घर मैं ही बनवाऊंगी। बस एक होता ना कि
सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही ले रहे हैं घर। जैसे मैं बेवकूफिया करके मैंने अपना ही नुकसान करवा लेना था, करवा ही लिया तो ऑलमोस्ट। अगर ये नहीं वहाँ पे बताते कि एक आर्मी वाले की बीवी हूँ मैं, मतलब नहीं बताती, और ये नहीं बताते, ये प्रूफ नहीं दिखाते उनको हमारी शादी का, तो अब हमारी लीगल मैरिज का जो प्रूफ होता है वो आ गया, जिसकी वजह से हम लोग फाइनली जीत चुके हैं और हमें हमारा पैसा मिल रहा है वापस। पैसा मिल जाएगा तो हम ये वाला घर भी छोड़ के हम रेंट पे जा रहे हैं। अब हम रेंट पे जा रहे हैं, पता नहीं सही हो रहा है गलत पता नहीं, लेकिन इस घर में रहना, मैं हर चीज़ जल्दबाजी में करती हूँ और मुंह की खाती हूँ मैं बिल्कुल ऐसे, मतलब अपनी अपना नुकसान कर बैठती हूँ। और मैं इतना रोई हूँ आज, इतना रोई हूँ कि मैंने सोचा था मैं साल का 3 लाख 3 लाख करके मैं दे दूंगी, पर वो मैं कितना दुगना पैसा इस घर का देने वाली थी, दो गुना पैसा। तो वो तो मेरी बेवकूफ़ी होती ना। ये घर बहुत अच्छा है, जो भी खरीदेगा जो भी लेगा तो बहुत अच्छा है, पर मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ अब, और इसी वजह से मैं थोड़ी से डाउन हो रही हूँ। बात तो अच्छी है कि चलो अब तो हमारा खुद का उस पे प्लॉट पे घर बनेगा, मैं एक एक ईंट से लेके घर बनता हुआ देखना चाहती हूँ। मैंने कल ही लाइव में बोली थी ये बात, और कि ईंट से लेके घर बनता हुआ देखना चाहती हूँ, शायद पापा ने इसी में ही भलाई समझी होगी। और अब मैं डबल पोर्शन करके 2-3 कमरे अपने घर में बनवाऊंगी। तो अभी मैं हम लोग घर रेंट पे देखेंगे, ये आएंगे तो हम शिफ्टिंग करेंगे, और फिर हम मैं अपनी रजिस्ट्री छुड़वा के फाइनेंस से, और उस पर लोन लेके, क्योंकि फाइनेंस वालों ने तो कुछ नहीं दिया था उस पर, मुझे 75,000 रुपये दिए थे, 95,500 का लोन पाके 75,000 रुपये दिए थे सिर्फ, और मुझे 3 गुना ब्याज उसका लगा दिया था, 2.25 लाख मुझे मोड़ना था उसका। सोच के देखो आप, मतलब ब्याज पे ब्याज मुझे उस पर इतना लगा दिया, इतना तो मैंने लिया ना जितना मुझे ब्याज डाल दिया था उन्होंने। तो उस चीज़ से भी मुझे करमजी नहीं बाहर निकाला है, तो अब मुझे पूरा पूरी उम्मीद है कि अब लाइफ में सब कुछ सही हो जाएगा। तो बाकी श्याम पापा जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। तो अब मैं हम रेंट पे घर देख रहे हैं, अब मैं देखो हम कब तक अब रेंट के घर में रहेंगे, क्योंकि अभी जब तक लोन नहीं होता घर बनना नहीं शुरू होगा, घर बनने में भी वक्त लगेगा। जब हमारा खुद का घर बन जाएगा तो फिर हम अपने खुद के घर में चले जाएंगे, उस घर में। तो पैसा तो मुझे वापस मिल जाएगा थोड़े दिनों में, 10-15-20 दिनों में पैसा मिल रहा वापस, तो 10-15 क्यों, उससे पहले ही मिल जाएगा वापस। तो पैसा हमें वापस मिल जाएगा तो बस हम शिफ्टिंग कर लेंगे। तो ये बात आप लोग को मैं बताना चाहती थी। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है मेरे। अभी भी अब फ़ोन भी हिल रहा है, क्योंकि मेरे हाथ से फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा, मेरे हाथ भी कांप रहे, इतनी वीकनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो जा रही है, मैं कुछ भी नहीं काम कर पा रही हूँ, मेरे घर में इतना खिलारा मचा और मैं कुछ नहीं कर पा रही। अब फिर से घर शिफ्ट करो, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, तो सोच के पहले ही टेंशन में आ रही हूँ। चलिए वीडियो करती हूँ मैं, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।